हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी महिला प्रजनन तंत्र को 3D एनिमेशन की सहायता से समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको महिला प्रजनन तंत्र में शामिल प्रमुख अंगों ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना की संरचना और उनके कार्यों को समझाएंगे। प्रजनन प्रक्रिया में इन सभी अंगों की अपनी अपनी भूमिका होती है, तो चलिए इन सभी को एक एक करके समझते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। ओवरी यानी अंडाशय। अंडाशय दो छोटे बादाम के आकार के होते हैं जो श्रोणि गुहा में स्थित होते हैं। इनका काम होता है अंडे का उत्पादन करना और उन्हें फैलोपियन ट्यूब में रिलीज कर देना। इस पूरी प्रक्रिया को ओव्यूलेशन बोलते हैं। एक बार रिलीज होने के बाद अंडा फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से आगे बढ़ता है। फैलोपियन ट्यूब अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने वाली पतली नलिका की एक जोड़ी होती है। ये अंडे को गर्भाशय की ओर जाने के लिए मार्ग प्रदान करती है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर बालों जैसी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें सीलिया बोलते हैं। यह अंडे को आगे बढ़ने में उसकी मदद करती है। गर्भाशय को गर्भ भी बोलते हैं। यह एक मांसल अंग होता है जहाँ पर निषेचित अंडा प्रत्यारोपित होता है और भ्रूण का निर्माण करता है। गर्भाशय में तीन परत होती हैं। आंतरिक परत जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, मध्य परत को मसल टिशू और बाहरी परत को पेरिमेट्रियम बोला जाता है। सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय का निचला हिस्सा जो योनि से जुड़ा होता है गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है। यह एक प्रवेश द्वार की तरह कार्य करता है। जैसे संभोग के दौरान शुक्राणु को गर्भाशय तक जाने के लिए एक द्वार की तरह कार्य करता है, वहीं मासिक धर्म के रक्त और बच्चे के जन्म के दौरान बाहर निकलने का मार्ग प्रदान करता है। वेजाइना यानी योनि। योनि एक पेशीय ट्यूब होता है जो गर्भाशय ग्रीवा को बाहरी जननांग से जोड़ता है। यह संभोग के लिए मार्ग और प्रसव के दौरान बर्थ ट्यूब के रूप में कार्य करता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।